आप देख रहे हैं YMS न्यूज 24। आइए देखते हैं आज की खबर। अनिल कुमार यादव ब्यूरो चीफ देवरिया उत्तर प्रदेश के साथ। आज रामपुर विधानसभा 339 क्षेत्र के ग्राम सभा बनरही के मजदूर युवक शिव कुमार गुप्ता के निधन पर समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों ने उनके आवास पर पहुंच शोक व्यक्त किया। शिव कुमार गुप्ता प्रवासी मजदूर थे और ट्रेन से अपने गृह राज्य आते समय ट्रेन दुर्घटना के शिकार हो गए थे, जिस कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। सूचना की खबर लगी तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने संज्ञान लेते हुए पीड़ित परिवार की हर संभव मदद के लिए पदाधिकारियों को निर्देशित किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष के दिशा निर्देश पर समाजवादी पार्टी के युवा एवं कर्मठ व जुझारू कार्यकर्ता श्री बृजेश यादव जी पीड़ित परिवार के घर जाकर शोक संवेदना व्यक्त किए एवं परिजनों को विश्वास दिलाया कि इस दुख की घड़ी में समाजवादी पार्टी उनके साथ सदैव खड़ी है। शोक संवेदना में बृजेश यादव पूर्व प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी युवजन सभा के साथ विजय यादव, धर्मवीर गुप्ता, अजय यादव, जावेद अंसारी, डॉक्टर प्रेम चौधरी, कुशाग्र यादव शामिल रहे। फिर वहाँ भी जाएंगे बताएंगे पार्टी में, और पार्टी भी मदद करेगी इस बार, आप लोगों की मदद करेंगे, मदद करेंगे। और आप लोग इस बात को जरूर ध्यान दीजिए कि देखिए इतनी बड़ी घटना दुर्घटना हो रही है और यहाँ के जो शासन प्रशासन कोई सुधी नहीं लिया, नहीं लगता है किसी ने बातचीत नहीं की, नहीं वो तो आपने ट्विटर पर लगाया था, तमाम जो है थोड़ा सा आपके भाई का फोटो लगवाया था ट्विटर पर लगाए, हम लोगों को फोन किए कि आप लोग पता छह दिन पहले बहुत पहले लगाए थे। घटना 6 बजे हुई और हमको 6:20 में सूचना मिल गई, लेकिन कई लोगों ने सलेमपुर बताया, सलेमपुर बताया लोग हमको, अगर ये भटनी हो गया होता तो पहले क्लियर हो गया था, लेकिन सलेमपुर, अब सलेमपुर हम ही कई लोगों को फोन किए, वो मनोज लारी वगैरह को। बाकी ये है प्रधान जी, ये प्रिंसिपल साहब मदद करेंगे आप लोगों की, ठीक है, तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा धैर्य बना के इस संकट के दौर में। और चाची चाची सबके मरे के बा, ये दुनिया सबके जाए के बा, वही भैले संजोग रहा लिखन रहा उतने दिन साथ रहा। ये धर्मवीर गुप्ता है, उनका नंबर ले लीजिए आप लोग, हम फोन उसी दिन से कर रहे हैं। आपका नंबर मिल रहा है पूर्व अध्यक्ष संयोजन सभा के जी सर, अभी हमको बताए शशांक बताए और भैया बताए कि इस तरह की दिक्कत है, तो हमने कहा कि आना चाहिए।